हेलो, वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों, वोकैबलरी ऑफ द डे में आज हम देखेंगे वोकैबलरी के कुछ शब्द जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना या डिजेक्ट करना, या किसी को पसंद ना करने को हम एडमोनिश बोलेंगे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉर्न, एडवाइज, बीरेट, चाइड, एंजॉइन या स्कोल्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे अलाउ, फ्लैटर या प्रेज। तो दोस्तों, किसी ये मैंने गदर मूवी से एक सीन लिया है, जब ये एक सिपाही छुट्टी मांगता है सनी देओल से, तो वो उस पर मतलब एडमोनिश करते हैं, धिक्कारते हैं कि मतलब तुम्हें भारत माता के लिए लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए छुट्टी चाहिए। तो ये मतलब होता है एडमोनिश का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनाथमा। एनाथमा का मतलब होता है अभिशाप देना या किसी को नापसंद करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेन, हेट, डेस्टेशन, पैरिया। एंटोनिम हो जाएंगे लव या इन्फेक्शन। तो दोस्तों, किसी से नफरत करना इज़ एनाथमा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसीवियर। दोस्तों, परसीवियर का मतलब होता है दृढ़ रहना, निरंतर प्रयत्न करना। सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम अगर निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये मतलब होता है परसीवियर करने का। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एंड्योर, होल्ड ऑन, परसिस्ट, और एंटोनिम हो जाएंगे सीज, गिव अप या स्टॉप। तो दोस्तों, निरंतर प्रयास करते रहने को हम परसीवियर बोलेंगे, या आप पिक्चर में देख रहे हैं, निरंतर अपने काम में लगे रहना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वलौकिक है या सर्वदेशीय, विश्ववादी या विश्वजनीन है, तो उसे हम कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कल्चर्ड, मेट्रोपॉलिटन, अर्बेन या वर्ल्डली। एंटोनिम्स हो जाएंगे रूरल, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या अनरिफाइंड। तो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे समाजों को और सारे पूरे विश्व के देशों को अपना समझता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटॉन। दोस्तों, ग्लूटॉन का मतलब होता है खाऊ, पेटू, भुक्कड़ या भक्षक किस्म का व्यक्ति। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एपिक्योर, जॉर्जर, गोमैंड। एंटोनिम्स हो जाएंगे एनोरेक्सिया। तो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी खाने पीने में दिलचस्पी दिखाए, खूब सारा खाना खाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ग्लूटॉन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टेबल। दोस्तों, कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घिनौना, घृणित या नीच होने को हम कंटेम्प्टेबल बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओडियस, वाइल, वर्थलेस या हेटफुल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिलाइटफुल, काइंड, नाइस या लवेबल। तो दोस्तों, ये मैंने हैरी पॉटर से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पिक्चर ली है। ये काफ़ी घिनौना कैरेक्टर था जेके रॉलिंग की फेमस हैरी पॉटर सीरीज़ का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिक्लूड। दोस्तों, प्रिक्लूड का मतलब होता है बंद करना, रोकना या अलग करने को हम प्रिक्लूड बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एवर्ट, सीज, डिटर, एक्सक्लूड या हिंडर। एंटोनिम्स हो जाएंगे एड, अलाउ या असिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रिक्लूड का मतलब बताया है प्रिवेंट करना, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है पीटर्स स्किनीनेस प्रिक्लूड्स हिम फ्रॉम बीइंग अ वेट लिफ्टर। मतलब ये लड़का पतला है, इसकी वजह से ये वेट लिफ्टिंग नहीं कर, ये उसको रोकता है वेट लिफ्टर बनने से। तो टू प्रिवेंट और मेक इम्पॉसिबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। दोस्तों, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है प्रतिपक्षी, विरोधी, प्रतिरोधी, प्रतिवादी या प्रतिद्वंदी को हम एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉम्बैटिव, इनिमिकल, होस्टाइल या अनफ्रेंडली होना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फ्रेंडली, काइंड या नाइस। तो दोस्तों, जो आपके अगेंस्ट में बोले तो वो आपका एंटागोनिस्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एले। दोस्तों, एले का मतलब होता है मित्र होना या मैत्री करने को हम एले बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एसोसिएट, कलीग, पार्टनर या फ्रेंड। एंटोनिम्स हो जाएंगे एनिमी, फो या ओपोनेंट। तो दोस्तों, एले का मतलब होता है फ्रेंड होना।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर। दोस्तों फॉस्टर का मतलब होता है पालक, लालन पालन करना या पोषण करने को हम फॉस्टर बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रमोट, सपोर्ट, एडवांस, बैक या कल्टिवेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्लॉक, सीज, डैम्पन या डिप्रेस। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा पपी है, इसका लालन पालन ये लेडी कर रही है, तो ये इसकी पालक हुई, मतलब फॉस्टर हुई। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।